जय माता दी ऑल। और क्या बताऊं, आज खुशी अंदर दिल में समाये नहीं समा रही है। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलना शुरू करूं, एक हिंदी सॉन्ग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। तो बस ध्यान से सुनिएगा, दो लाइनें बस। हाँ, एंड दैट इज, कल तक तो मैं ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट बनाया आपने, ICSI, थैंक यू सो मच, पोस्ट ग्रेजुएट बनवाया आपने। और ये मैं आज क्यों गा रहा हूँ, ऑन 15th मार्च 2021, शायद बहुत लोग हैरान हो रहे होंगे, बिकॉज ऑन द वेबसाइट ऑफ ICSI, वो नीचे स्क्रॉल बार में छोटा छोटा लिखा है, UGC recognizes company secretaries as post graduate। और पिछले दिनों में ICSI ने, ICAI ने, ICWI ने, तीनों इंस्टीट्यूट्स ने रिप्रेजेंटेशन भेजा था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को कि हमारी जो CS की डिग्री है या CA की या CMA की डिग्री है, इसको पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट माना जाए। तो वेल, वो फाइनली अप्रूव हो गया है और UGC ने अपनी 550वीं लैंडमार्क मीटिंग में फैसला लिया है कि यस, नाउ द क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ऑल ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो फीलिंग आ गई है पोस्ट ग्रेजुएट वाली। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट बनवाया आपने। ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर क्वालिफाइड CA, CS, CMA, और जो बनने वाले हैं, अब उनके लिए एक बड़ी कंफ्यूजन है, जो बीकॉम कर रहे हैं साथ साथ और साथ साथ CA, CS, CMA कर रहे हैं। तो सर, बीकॉम छोड़ दें क्या, क्योंकि CA, CS, CMA ही कर लेंगे तो फिर बीकॉम क्या, फिर वो तो एमकॉम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो तो सच है, एमकॉम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और एमकॉम के बाद जो काम आप कर सकते हैं, बीकॉम के बाद जो सारे काम आप कर सकते हैं, या एमकॉम के बाद जो सब काम आप कर सकते हैं, जो कोर्सेज आप कर सकते हैं, वो सब कोर्सेज आप कर पाएंगे उसके बाद। यू कैन वेल थिंक अबाउट इट, डिसीजन आपको लेना है। और एक सिर्फ फूड फॉर थॉट दे दूं यहाँ पर, डिसीजन तो लेना, कंफ्यूजन बहुत हो रही है सर, पहली है सर, क्या करें सर, बीकॉम के एग्जाम आ रहे हैं सर, छोड़ दें क्या, आपका डिसीजन है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, कई स्टूडेंट्स करते हैं ना वो कि बीकॉम खत्म होते ही फिर LLB में एडमिशन ले लेते हैं और LLB साथ साथ करते रहते हैं और इधर CS साथ साथ चलती रहती है, करते हैं ना ऐसा, होता है ना ऐसा। मैंने नहीं किया था, मैंने अपना CS खत्म किया था, बाद में LLB किया था, बट विल्ला कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। तो डिसीजन तो आप लोगों का है पर्सनल कि आप क्या करना चाहते हो। आई एम नॉट गाइडिंग एनीबडी ओवर हेयर, लेकिन हाँ, कुछ कन्फ्यूजन हैं, यू कैन सेंड मी ऑन बाय माई व्हाट्सएप नंबर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप सब लोगों के पास ऑलरेडी पब्लिकली है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट माय व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट ऑल दिस। और अदर वे राउंड मैं कहूंगा, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, और JIGL और SUB, या EBCL, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, any kind of queries you are having or course related, so you can put that on the WhatsApp. Well, you are always welcome. Aur ek choti si cheez yahan par add kar dun, thank you so much CS Madhav Pawa. Well, aapne wo ek bahut deep research karke wo nikal kar diya ki constitution of India mein pehle kabhi kisi zamane mein 395 the, fir abhi presently kitne article ho gaye hain, beech mein bahut lambe time tak 448 hum bola karte the, लेकिन अब 448 भी नहीं, अब कितने हो गए और कितने डिलीट हुए, कितने ऐड हुए। लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क देयर इन द प्रीवियस वीडियो ऑन आवर चैनल, यू हैव डन दैट ऑलरेडी। तो जिन्हें नहीं मालूम है वो वाला वीडियो देख लें, वो पूरा रिसर्च वर्क 4-5 मिनट का वीडियो है, वो सुन लें, तो दे विल एंजॉय दैट अ लॉट। एंड मीनवाइल टेक योर डिसीजन, बीकॉम करने वालों अब क्या करोगे। जय माता दी।